भाई बवाल हो गया, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं कि पठान मूवी कैसा मार कर आने वाली है। तो चलो इसे शुरू से शुरू करते हैं। तो भाई लोग सबसे पहले इस मूवी की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, जो कि किसी एक व्यक्तित्व के लिए नहीं बल्कि इसका असर सब पे पड़ेगा। क्योंकि पहली बात तो ये कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार अपने किंग खान का मैटर है ये, क्योंकि किंग लगभग 3 साल के बाद कमबैक कर रहे हैं और ये मूवी चलनी बहुत जरूरी है उनके लिए। और सिर्फ उनके लिए ही कहना उचित नहीं होगा, बल्कि सब लीड एक्टर के लिए जरूरी है इस मूवी को चलना। मेरा मतलब कि जॉन अब्राहम के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम देखने जाओ तो जॉन अब्राहम की पिछली 5 फिल्में फ्लॉप रही थी। पहली अटैक मूवी, फिर सत्यमेव जयते 2, मुंबई सागा, पागलपंती, रोमियो अकबर वाल्टर, फिर अपना बाटला हाउस, जो कि एक एवरेज मूवी रही थी। तो भाई तुम समझ रहे हो ना कि मैंने 5 बोलकर तुम्हें 6 गिनवा दिए हैं। मतलब कि अगर ये पठान भी फ्लॉप रही तो 7वीं लगातार फ्लॉप रहेगी उनकी। जहां कि इन सब के मामले में ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ जॉन अब्राहम का ही खराब नहीं है, बल्कि दीपिका का भी कुछ कैसा खास नहीं था इस चीज। मतलब कि उनकी भी पिछली 3 मूवीज बर्बाद रही है, गहराइयां, 83 और छपाक। पर अपनी दीपिका पादुकोण को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि एक संजय लीला बंसाली की मूवी फेंक कर मारेगी और अपना सारा चीज रिकवर कर जाएगी। पर रुको भाई, सिर्फ यही दोनों नहीं बल्कि अपने SRK भी इसमें कुछ पीछे नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी कोई झंडे नहीं गाड़े हैं इन सब चीजों में। उनके भी पिछली अगर कुछ कैमियोज वाली मूवीज देखें, मतलब कि अगर उनके रिसेंटली कैमियोज वाली मूवी के बारे में बात करें, तो पिछले 4 कैमियोज वाली में से 3 मूवी फ्लॉप रही है। बस एक ब्रह्मास्त्र रही थी जो कि 400 करोड़ रुपए लगाकर 431 करोड़ रुपए रिकवर करी अपने। और अगर SRK की फिल्म्स को उनके स्टारडम के हिसाब से अगर उनके बॉक्स ऑफिस को देखने जाएं, तो भाई चेन्नई एक्सप्रेस के बाद 10 मूवी उनकी पीट चुकी है। समझ रहे हो ना, मतलब कि उनकी आखिरी ब्लॉकबस्टर चेन्नई एक्सप्रेस थी, और इसीलिए ये पठान मूवी सबसे ज्यादा इन तीनों के कैरियर के लिए जरूरी है। और इस फिल्म को हिट करवाने में जितना मेहनत इन्हें करना है, उतना ही यशराज फिल्म्स, जो कि इसके प्रोडक्शन कंपनी है, उन्हें भी करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लॉप की गिनती यहां भी है। क्योंकि यशराज फिल्म्स की भी पिछली 6 फिल्में फ्लॉप रही थी। पहली तो शमशेरा, दूसरी सम्राट पृथ्वीराज, तीसरी जयेश भाई जोरदार, फिर बंटी बबली 2, मर्दानी 2 सेम हिट रही थी, और उसके बाद आखिरी नंबर पे आता है अपना थग्स ऑफ हिंदुस्तान, जो कि सबसे बड़ी फ्लॉप रही थी। मतलब समझ रहे हो, फ्लॉप से उठाकर स्टार बनाऊंगा वाली टीम खड़ी हुई है यहाँ पे। हीरो हीरोइन से लेकर प्रोडक्शन टीम, सबके सब फ्लॉप है साले। अब मैंने ये तो तुम्हें बताया कास्ट एंड क्रू की परेशानी, पर अब हमारी परेशानी भी ये है कि अगर ये मूवी फ्लॉप हुई तो एक जो इंडिया में सबसे अच्छा कायदे वाला सिनेमैटिक यूनिवर्स जो खड़ा हो रहा है ना, उसकी कमर ही टूट जाएगी। क्योंकि SRK ही वो सपोर्ट है जो कि इस यूनिवर्स का आधार बनेगी। और मेरी बात मानो कि अगर ये फिल्म चलेगी ना, तो इससे बवाल यूनिवर्स तुम्हें इंडिया में कोई नहीं देखेगा। क्योंकि इस पठान मूवी से उम्मीद लगाने वाले इसके कास्ट, प्रोडक्शन और हम ऑडियंस ही सिर्फ नहीं है, बल्कि पूरा बॉलीवुड इसकी ओर देख रहा है कि भाई हमारी सारी फिल्म्स फ्लॉप जा रही है, बायकॉट हो रही है, और अब पठान ही है जो कि रिवाइव कर सकती है पूरे बॉलीवुड को। और इतनी सारी जिम्मेदारियों को लेकर उतरेगी ये पठान फिल्म, पर यशराज फिल्म बस इस बार इसकी मार्केटिंग अच्छे से कर दे, क्योंकि इस फिल्म के पिटने का असर इसके कास्ट, क्रू और हम पे तो पड़ेगा ही, पर अगर सबसे ज्यादा असर किसी चीज पे पड़ेगा तो वो पड़ेगा अपने SRK की आने वाली फिल्मों के ऊपर। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि पठान मूवी के फ्लॉप हो जाने के बाद आने वाली बाकी मूवीज का डायरेक्टर SRK के साथ आने वाली मूवीज को डिले करना शुरू कर दें। तो भाई समझो कि ये पठान मूवी जरूरी से ज्यादा अब जरूरत बन चुकी है। और एज अ किंग खान फैंस, हम लोग का ये कर्तव्य बनता है कि SRK को हम लोग एक अच्छा गिफ्ट दें, क्योंकि वो 3 साल के बाद कमबैक कर रहे हैं। तो ये हमारा कर्तव्य बनेगा ना कि हम लोग SRK को भी उसी तरह का गिफ्ट दें जिस तरह का कि हम लोगों ने इंतजार किया है। पर हाँ, एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं कि मैं यहाँ पे तुम लोगों को ये नहीं कह रहा कि मूवी खराब होने के बाद भी तुम लोग इसको सपोर्ट करते रहना, भाई मत करना, गांड मार देना इसकी। पर भाई अगर मूवी अच्छी हो गई तो अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने आस पड़ोस वाले को, सबको बताना कि ये मूवी बहुत अच्छी है, ताकि वो लोग भी इस मूवी को देखने जाए थिएटर में और ये मूवी हिट करे, ताकि हम लोग भी एक अच्छा सिनेमेटिक यूनिवर्स देख पाए अपने इंडिया में। और बाकी जब मूवी आ जाएगी तो मूवी कैसी होगी इसका रिव्यू तो मैं तुम लोग को दे ही दूंगा यहाँ पे अपने चैनल पे। तो इसलिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मैं और वीडियोस डालूं तो तुम्हें नोटिफिकेशन चला जाए। और अगर इस वीडियो के ब्लूपर्स देखना चाहते हो या फिर मुझसे पर्सनल कनेक्ट होना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर आ जाना। और हाँ, देखते रहना AR Says।